हमारे चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि चयन बोर्ड से अभी अभी जारी कर दिया गया है समायोजन की लिस्ट। 2016 के जो अभ्यर्थी समायोजन के इंतजार कर रहे थे उनके लिए लिस्ट चयन बोर्ड ने अभी जारी किया है। तो दो नोटिस इससे संबंधित जारी किया गया है। पहली नोटिस है, इसे देखिए, नोटिस को जारी कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 13(5) के अंतर्गत समायोजन के संदर्भ में, तो नियम 13(5) के अंतर्गत जो समायोजन होना था उसी के संबंध में यह नोटिस है, जहां बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी रिक्ति की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं कर सका था। तो किसी भी कारण से अगर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है तो जिला विद्यालय निरीक्षक ऐसे अभ्यर्थी के समायोजन के लिए बोर्ड को अधिसूचित किसी अन्य रिक्ति के विरुद्ध बोर्ड को संस्तुति करेगा और विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति प्राप्त होने पर बोर्ड अधिसूचित रिक्ति के विरुद्ध ऐसे अभ्यर्थी को कोई दूसरी संस्था आवंटित करेगा। तो यहाँ देखिए, विज्ञापन संख्या 1/2016 प्रशिक्षित स्नातक और 2/2016 प्रवक्ता संवर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के अन्यत्र समायोजन हेतु संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा उसी जनपद में अन्य संस्था की रिक्ति अधिसूचित की गई है। ऐसे प्रस्ताव नियम 13(5) के अनुसार होने के कारण उनके सामक्ष समायोजन उसके सापेक्ष समायोजन किए जाने का निर्णय बोर्ड के द्वारा लिया गया है। तो उनके सापेक्ष समायोजन करने का निर्णय बोर्ड के द्वारा ले लिया गया है और समायोजन सूची चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई है। तो जो समायोजन की सूची है आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई है। तो इस तरह से नियम 13(5) में परिवर्तन करके इन अभ्यर्थियों का समायोजन किया गया है। तो इस तरह से समायोजन की लिस्ट है जो वेबसाइट पर उपलब्ध है और जो अभ्यर्थी समायोजन से संबंधित इंतजार कर रहे हैं वह इस वेबसाइट पर जाके समायोजन देख सकते हैं। और दूसरी नोटिस जो है ये भी 13 तारीख को ही जारी किया गया कि विज्ञापन संख्या 1/2016 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और 2/16 प्रवक्ता संवर्ग के चयनित कतिपय अभ्यर्थियों को आवंटित संस्था में पद रिक्त नहीं होने के कारण कार्यभार नहीं कराया गया था, ग्रहण नहीं कराया गया था और आवंटित संस्था के जनपद में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका समायोजन संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा संस्था प्रस्तावित नहीं की गई थी, ऐसे अभ्यर्थी का समायोजन 2021-22 में ऑनलाइन अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष बोर्ड के द्वारा वस्तुनिष्ठ निर्धारित करते हुए किया गया है। तो जो अभी 2022 के लिए नई भर्ती के विज्ञापन के लिए अधियाचन आया था उसी अधियाचन के ही रिक्तियों में से इन अभ्यर्थियों को 2016 के TGT PGT अभ्यर्थी को समायोजित किया गया है। समायोजन सूची चयन बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो जो समायोजन की सूची है वह आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो यहाँ पर जाके अभ्यर्थी अपने नाम को देख सकते हैं। इस तरह से लगभग 300 के आसपास अभ्यर्थियों का 2016 के अभ्यर्थियों का TGT PGT में समायोजन आज पूरा हो गया है। समायोजन का इंतजार कर रहे इन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 16 में परीक्षा पास होने के बाद उन्हें अब समायोजन का मौका मिला है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए।